नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार बनाई तब ये बात चर्चा का विषय बना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सरकार पलट ही रहे हैं तो जो है 24 के चुनाव में क्या होगा। लेकिन एक बार फिर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चाबंदी और किलेबंदी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो बिहार में और देश में एक अलग गठबंधन बनाएंगे। लेकिन बात की जाए तो कुर्नी उपचुनाव के बाद एक बड़ा झमेला होने वाला है। दरअसल कुर्नी चुनाव के बाद जदयू में भयंकर भगदड़ होगी और भारतीय जनता पार्टी का दावा है, यानी भाजपा की तरफ से भाजपा प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने यह दावा किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कुर्नी चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड से कई लोग नाराज होकर इस गठबंधन को छोड़ेंगे। 2024 चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड बिहार में नहीं बचेगी। लेकिन बात की जाए तो अरविंद सिंह ने बातों ही बातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह नसीहत दे दी कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी का विलय कर ले या बिहार छोड़कर चले जाएं। साफ तौर पर उनका मानना है कि नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। स्पष्ट तौर पर समझे तो नीतीश अगर राजनीति से संन्यास लेते हैं तो जनता दल यूनाइटेड का जो मामला है खासतौर पर सरकार में, वो काफी बिगड़ जाएगा। जदयू में नीतीश के बाद कोई बड़ा नेता नहीं बचेगा जो जनता दल यूनाइटेड को चला सके। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ जिस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि नीतीश और उनकी जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ विलय कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से दावा कर दिया गया है कि महागठबंधन में जो दल है खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल, वही नीतीश कुमार के विधायक को तोड़ लेंगे और कुछ बची हुई विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कुर्नी चुनाव के बाद बिखर जाएगी और यही वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और ये कारण है। साफ तौर पे समझे तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में वापस नहीं आने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब नए तरीके के प्रोपेगेंडा अपना रही है और भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़फोड़ कर उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। ऐसे में उनकी विधायकों की संख्या भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना होगा कि भाजपा के दावों में कितना दम है और कुर्नी उपचुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड में क्या कुछ होता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।